नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। और चैनल नंबर 10 पर हाजिर है हम अपना लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि सोशल साइंस का है। और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट टू। इसका मतलब है कि आप पार्ट वन पहले पढ़ चुके हैं। सो वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन विद द मैसेज ऑफ G20। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो 8800-440-559 पर फोन कर सकते हैं। हमारे साथ श्री सुशील कुमार जी हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं हिस्ट्री विषय से, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल, और जो राइज ऑफ नेशनलिज्म की आज हम बात करने जा रहे हैं, इसका पार्ट वन हम पहले पढ़ चुके हैं जो आपने पढ़ाया था। मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए एक छोटा सा रिकैप करें प्रिसाइज, ताकि हम अपना आज का सेशन शुरू करें आपके साथ। जी राहुल जी, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि पहले सेशन में बच्चों मैंने बताया था कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये सिलेबस के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस को समझने के नजरिए से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में एक राष्ट्र बनने के राह में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं या कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिसने दुनिया भर के देशों को राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित किया या उनके लिए रास्ता तैयार किया, ये सभी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। बच्चों पहला सेशन हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि अब 10th क्लास के बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और 9th क्लास का एग्जाम भी फाइनल सभी स्कूलों में हो चुका है और उसका रिजल्ट अवेलेबल है। तो जो बच्चे क्लास 10th में जाएंगे, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो क्लास 10th में पहुंचे, निश्चित रूप से उनके लिए क्लास 10th के लिए ये चैप्टर बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो बच्चों पहले सेशन में जो मेन टॉपिक्स हम लोगों ने चर्चा की थी, सबसे पहला टॉपिक था विजन ऑफ फ्रेडरिक सुरेल। फ्रेडरिक सुरेल जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनका क्या विजन था, कौन सी पेंटिंग बनाई थी, और उनके पेंटिंग बनाने के बाद मीनिंग ऑफ नेशन को लेकर जो एक डिबेट शुरू हुआ, नेशन क्या है, नेशन बनने की प्रक्रिया, इन सभी मुद्दों पर एक डिस्कशन की शुरुआत हुई। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स ने यूरोप में राष्ट्रवाद को शुरू करने में, जन्म देने में अहम भूमिका निभाई, और क्या ये प्रक्रिया केवल यूरोप तक थम गई या पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। इन सभी मुद्दों को का डिस्कशन इसके बाद में करना है। सो बच्चों आपने पहले सेशन में देखा कि किस तरीके से फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सुरेल ने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी, और उनके इस पेंटिंग को बनाने के बाद एक डिबेट की शुरुआत हो गई राजनीतिक जगत में, राष्ट्र की परिभाषा को लेकर, लोकतंत्र के मतलब को लेकर, नागरिकता से जुड़े ये सभी सवाल बहस के मुद्दा बन गए। अब सवाल उठता है राहुल जी, आप कह सकते हैं सर आखिर राष्ट्र पे बहस की शुरुआत क्यों, आखिर लोकतंत्र क्या है, इस पे बहस की शुरुआत क्यों हुई, या नागरिकता के पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठने लगे फ्रेडरिक सुरेल की इस पेंटिंग के बाद। सुरेल ने जो पेंटिंग बनाई थी वो एक ऐसे दौर में पेंटिंग बनाई थी जब पूरी दुनिया में अब्सोल्यूट मोनार्की का शासन। अब आप एक सवाल यहां उठता है, अब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है। बच्चों हमने पिछले सेशन में बात की थी 17th-18th सेंचुरी बना करें कि राष्ट्र बन चुका है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, लोग अपने देश के झंडा को लेकर खड़े हैं, अपने एम्पायर का झंडा लेकर खड़े नहीं है, अपने राष्ट्र का झंडा लेकर खड़े। यही कारण है कि सुरेल की बनाई गई इस पेंटिंग को यूटोपियन पेंटिंग कहा गया।
यूरोपियन पेंटिंग मीन्स एक कल्पना आदर्श, एक ऐसा आदर्श जो उस समय की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस डिबेट का एक अच्छा परिणाम भी हुआ कि राष्ट्र के बहस की प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्र को लेके अवेयरनेस फैला और पूरे यूरोप के सभी जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई। आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्याएं थी और उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए राष्ट्र बनने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। प्लीज प्लीज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की। यूरोप के जितने भी जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, बेल्जियम हो, ये सभी जो क्षेत्र हैं उस समय राष्ट्र की पहचान इन देशों में नहीं थी। ये सभी छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे, डचीज में बटे हुए थे, कैंटन्स में बटे हुए थे और सभी अलग अलग किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में अलग अलग शासकों का शासन था। आप भारत का भी देख सकते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले अगर हमारे देश में शक्तिशाली शासक होते थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो, जैसे सम्राट अशोका हो, तो भारत जो हमारे देश की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक जो है हमारे देश की सीमा हो जाती। लेकिन जब शक्तिशाली शासकों का शासन खत्म हुआ तो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता था और हर एक क्षेत्र के अलग अलग शासक हो जाते। ऑलमोस्ट सेम स्थिति यूरोप में भी थी। सभी ये जो देश हैं छोटे छोटे किंगडम से बटे थे और सभी क्षेत्रों के अपने अपने शासक हुआ करते थे। और इसका परिणाम क्या होता था, इसका दुष्परिणाम क्या होता था कि एक जो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो डेवलप करती है एक राष्ट्र के प्रति, लोगों में एक जो सामूहिक पहचान होती है, सामूहिक संस्कृति जो डेवलप करनी चाहिए वो कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर डेवलप करने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसके साथ साथ यूरोप में एक और समस्या थी कि एक तो ऑलरेडी छोटे छोटे किंगडम डचेस बटे हुए थे, उसके अलावा जो पावरफुल मोनार्कीज थे, जो पावरफुल एम्पायर्स थे जैसे ऑस्ट्रिया के एम्पायर, जैसे फ्रांस के एम्पायर थे, ये भी चाहते थे कि ये छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे डचीज इंडिपेंडेंट बना रहे ताकि इनके क्षेत्रों पर हम शासन कर सके। मतलब ये दूसरे देशों के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करते थे। ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था उसमें ना केवल ऑस्ट्रिया का क्षेत्र था बल्कि इट वाज अ पेच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स एट अ टाइम। एक ही साथ अलग अलग रीजन जो है ऑस्ट्रिया के किंगडम में, ऑस्ट्रिया के एम्पायर में शामिल थे, फ्रांस के एम्पायर में शामिल थे। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं बच्चों, हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया का था वहां पे अल्पाइन रीजन भी शामिल था, बोहेमिया का जो जर्मन डोमिनेंट जो एरिया है वो भी ऑस्ट्रियन एम्पायर में शामिल था। इसी तरह आप देख सकते हैं इटालियन प्रोविंसेस जो है लोम्बार्डी, वेनेसिया, ये भी हैब्सबर्ग एम्पायर के पास थे। इसी तरह अगर हम बात करें हंगरी की बात करें तो देखेंगे आप हंगरी में आधा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है मेगर बोलती थी, तो जो दूसरी आधी पॉपुलेशन थी वो तरह तरह की लैंग्वेजेस बोलती थी। गालिशिया की बात करें तो गालिशिया प्रोविजन में जो एरिस्टोक्रेसी पीपल जो थे वो पॉलिस यानी पोलैंड के लैंग्वेज बोला करते थे। इसी तरह पेपल स्टेट जो रोम था ये भी लोगों को एक कोना नहीं देना चाहता था। सो दिस वर द मेजर ऑब्स्टेकल जिसके कारण यूरोप की ये जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उस समय राष्ट्र बनने की दहलीज पे खड़ा होते हुए भी वो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा। आइए देखते हैं आखिर फिर वो क्या कारण था जिसने यहाँ के लोगों को अवेयर किया, नेशन के प्रति, सिटीजन सब के प्रति ये कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इंस्पायर किया जिससे राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का आरंभ किया। इट वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसने दुनिया भर में, यूरोप में इसकी शुरुआत हुई लेकिन यूरोप के बाद पूरी दुनिया के लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र की प्रक्रिया के लिए अवेयर करना शुरू। क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन बच्चों ने 9th में पढ़ा हुआ, स्टार्टेड इन 1789 इन द मंथ ऑफ जुलाई। फ्रांस जो है 1789 से पहले एक फुल फ्लेज्ड मोनार्कियल कंट्री था लेकिन आफ्टर द रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए जिसके थ्रू, इन चेंजेस के थ्रू
जो फ्रांस की जो सोवरनिटी है वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजंस के प्रति ट्रांसफर होनी शुरू हुई। कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे वहां के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होनी शुरू हुई। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि एक मिशन डिक्लेयर किया गया, और ये मिशन क्या था कि पूरे यूरोप को अंधकार के साम्राज्य से मुक्त करके उनको उदारीकरण की, उनको स्वतंत्रता की ओर बढ़ाना। इसी समय एक क्लब की स्थापना हो चुकी है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक क्लब होती है, जैकोबिन क्लब्स, जिसने रिवॉल्यूशन की भावना को और तेजी से प्रबल किया। हालांकि जैकोबिन क्लब्स भी लंबे समय तक स्टेब्लिश नहीं रह पाया, वो बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। ऐसा माना जाता है राहुल जी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी शुरुआत बास्टिल के किले के डिमोलिशन के पश्चात हुआ। ये बास्टिल का किला है बच्चों, आप देख सकते हैं okay. और किस तरीके से 14 जुलाई 1789 में कुछ लोगों का समूह, उन्होंने बास्टिल के इस प्रिजन फोर्ट पे अटैक किया और इसको डिमोलिश करने के बाद एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब आखिर ऐसा हुआ क्या था फ्रांसीसी क्रांति में जिसके कारण नेशन की भावना डेवलप हुई? सबसे पहले दो नए शब्द उभर के सामने आए, आप सभी बच्चे देख सकते हैं स्क्रीन पे। द फर्स्ट टर्म इज ला पैट्री, जिसका मतलब होता है फादरलैंड। सेकेंड टर्म इज ली सिटोयन, दैट मीन्स द सिटीजन। यानी सिटीजन शब्द जो है पहली बार निकल के आया कहां से? फ्रांसीसी क्रांति। इसी तरह एक राष्ट्र को मदर के रूप में या फादर के रूप में देख सकते हैं, ला पैट्री जैसा शब्द भी जो है पहली बार कहां से आया? फ्रांसीसी क्रांति से। और क्रांति के पश्चात तुरंत एक नया संविधान बना, और नया संविधान बनने के पश्चात सभी पुरुषों को इक्वल राइट देने की बात की गई। शुरुआत में देखिए, हालांकि एक बार में नहीं आया, शुरुआत में केवल पैसे वाले लोगों को राइट दिया गया। बाद में जब जैकोबिन क्लब बना तो उन्होंने सभी मेल्स को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने में मदद दिया, या समानता का अधिकार दिलाने में मदद दिया। इसके साथ साथ अभी तक क्या होता था 18th सेंचुरी से पहले दुनिया की राजनीति के इतिहास में क्या होता था? देश का झंडा नहीं हुआ करता, झंडा हुआ करता था राजवंश। राहुल जी, अगर आपने भारत का इतिहास देखा होगा, आपने रामायण महाभारत जैसे सीरीज देखे होंगे तो आपने देखा होगा जी, चंद्र वंश का झंडा हुआ करता जी, सूर्य वंश का झंडा हुआ करता जी। यानी जो झंडे हुए करते थे वो लोगों का झंडा नहीं होता, वो देश का झंडा नहीं होता था, राजवंश का झंडा होता जी। पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पश्चात एक देश के लिए झंडा होना चाहिए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, क्योंकि फ्रांस ने अपना नया झंडा डेवलप। इसके साथ साथ अभी तक जो गीत गाए जाते थे, जो पोएम्स, जो हिम्स रचे जाते थे, वो राजाओं की प्रशंसा में, सिर्फ भगवान की प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में रचे जाते थे जी। अब नए हिम्स रचे गए, नए ओथ लिए जाने लगे, और ये सभी ओथ देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, शहीदों के प्रति, देश के नाम पे लिए जाने शुरू हुए। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पे भी कैसे एकीकरण की भावना जन्म लेती है, कि पूरे फ्रांस में यूनिफॉर्म वेट सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए, ये भी फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया, यानी पूरे फ्रांस के रीजन में, टेरिटरी में एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। फ्रांस को, फ्रेंच को वहां का नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और जितने भी रीजनल डायलेक्ट थे उनको डिस्करेज किया। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, राहुल जी, हम अक्सर कहते हैं भारत माता की जय जी, क्या भारत माता करके कोई माता हमारे देश में है क्या जी? क्या है? आपसे मेरा एक प्रश्न है। ये कह सकते हैं हम, जैसे आपने फादरलैंड की यहाँ पर बात की अभी, जब दो शब्द निकल कर आए नए आपने बताया, उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमने शायद मदरलैंड की पहले परिकल्पना की थी, तो इसी वजह से हम अपनी धरती माता को भारत माता कहते हैं। कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी फीलिंग्स जुड़ने लगे, जब राष्ट्रवाद की जब प्रक्रिया बढ़ी जी, तो नॉन लिविंग टेरिटरीज के साथ भी हमारी भावनाएं जुड़ने लगी, और जब ये भावनाएं जुड़ी तो उसी ने फादर का, मदर का कॉन्सेप्ट देना शुरू किया। आप देख सकते हैं इसी क्रांति का परिणाम हुआ कि फ्रांस को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो मेरियाना के नाम से जाना गया। उसी तरह
जर्मनी को भी एक फीमेल पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया जो जर्मेनिया के नाम से जाना गया, उसी तरह हमारे देश में भी भारत का भी एक इमेज बना और उसे भारत माता के रूप में हम लोगों ने देखना शुरू स्वीकार किया। और राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको प्रबल करने में ये जो इमेजेस होते हैं बहुत प्रबलता से काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली काम करते हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि अब एक बात बच्चे जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसका असर थोड़े समय के लिए कम हो गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन सत्ता में आ गया और नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद वहां दोबारा मोनार्की स्थापित हुई। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बच्चों आपको, नेपोलियन एम्परर बनने के बावजूद, मोनार्की वहां रीस्टेब्लिश होने के बावजूद नेपोलियन ने जो कदम उठाए उसने डेमोक्रेटिक भावना को बढ़ाया ही, घटाने का काम नहीं किया। आखिर ऐसा क्या किया था नेपोलियन? नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड बनाया जो नेपोलियनी कोड के नाम से जाना जाता है। उसके क्या क्या प्रोविजंस थे? बर्थ रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे नेपोलियन ने उसको अबॉलिश कर दिया और कानून के सामने सभी लोगों को बराबर किया। राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश किया गया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन जो फ्रांस के जितने भी थे उसको सिंप्लीफाइड किया, यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी चलेगी, कॉमन नेशनल करेंसी वर्ड बता। किसानों को स्वतंत्रता मिली, फ्यूडल जो बॉन्ड थे उससे वो मुक्त कर दिए गए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे उनको भी रिमूव कर दिया। सो इवन आफ्टर बिकमिंग द मोनार्कियल रिजाइम इन फ्रांस, द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी वॉज नॉट डिक्रीज एट ऑल। यही योगदान है फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियनिक कोड का भी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया। आइए अब यहीं से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होना शुरू होता है, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि एक सिंप्लीफाइड वे में बच्चों को एक क्रोनोलॉजी के तहत समझाने का कोशिश करें कि किस तरीके से राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। बच्चों ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया इतनी स्मूथ नहीं थी। पूरे फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरा यूरोप पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजरता रहा, कभी लोकतंत्र आ जाता था, कभी मोनार्किज्म फिर से एस्टेब्लिश हो जाती थी, कंजर्वेटिज्म आ जाता था, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, तो ये पूरा ट्रांजिशन का दौर गुजरता रहा। इसीलिए इस राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को हम तीन फेजेस में देख सकते हैं। एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, सेकेंड द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848, 1848 एंड ऑनवर्ड्स जो लिबरल्स का जो रिवॉल्यूशन शुरू होता है और वहां के बाद से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक फॉर्मुलेशन होना शुरू हो जाता है। अब हम एक एक करके तीनों फेजेस के बारे में पढ़ें। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव है वो परमानेंट नहीं रहा। हमने देखा कुछ समय के बाद ही फ्रांसीसी क्रांति वापस, मतलब कह सकते हैं उसका प्रभाव डिक्लाइन हो गया, नेपोलियन ने फ्रांस में फिर से मोनार्कियल डिजाइन को स्टेब्लिश कर, और लेकिन इसके बावजूद मैंने जैसे कि बताया कि मोनार्की आने के बावजूद उसके जो आइडियाज थे वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे। लेकिन 1815 में नेपोलियन का यूरोप के सभी देशों के साथ एक कंबाइंड युद्ध हुआ, एक वो नेपोलियन की सेना थी, दूसरी ओर इंग्लैंड के नेतृत्व में लगभग रेस्ट ऑफ द यूरोप, पूरी यूरोप की सेना एक साइड में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वाटरलू का वार के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है, जिसमें नेपोलियन की हार हुई और नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में फिर से कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होती है। कंजर्वेटिज्म मीन्स वैसे लोग या वो प्रिंसिपल जो पुराने संस्थानों को, जो पुराने इंस्टीट्यूशन, पुराने बिलीफ्स में विश्वास करता है, वो रेडिकल चेंजेस के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसी प्रिंसिपल जो है कंजर्वेटिज्म कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कंजर्वेटिज्म जो है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में विश्वास करते हैं, जैसे मोनार्की में, चर्च में, सोशल हायरार्कीज में, प्रॉपर्टी में एंड द फैमिली वैल्यू शुड बी प्रिजर्व, ये सभी जो है कंजर्वेटिज्म की सोच होती है। अब देखिए क्या हुआ नेपोलियन की हार के बाद, आखिर ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म है वो किस तरीके से काम, उसका क्या क्या परिणाम।
सबसे पहला क्या हुआ कि नेपोलियन की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है 1815। और इस ट्रीटी के क्या क्या परिणाम है? सबसे पहला परिणाम होता है कि नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में बुर्बो डायनेस्टी, जो अब्सोल्यूट मोनार्की का पीरियड था, उनको वहां पे रिस्टोर किया गया पावर, उनको दोबारा सत्ता में लाया गया। दूसरा प्रमुख परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन ने जो जो बदलाव किए थे, जो जो टेरिटरीज पे जीत हासिल की थी और अपने एम्पायर में मिलाया था, फ्रांस को वो सारे टेरिटरीज खोने पड़े। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं द किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जिसमें बेल्जियम को भी शामिल किया गया था, उसको फ्रांस के नॉर्दर्न बाउंड्री पे खड़ा कर दिया गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जिनेवा जो है उसको पीडमोंट के साथ जोड़ दिया गया और फ्रांस की साउदर्न बाउंड्री बना दी गई। इसी तरह प्रशा जो है, फ्रांस की जो वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो प्रशा था, उसके साथ नई टेरिटरीज जोड़ दी गई ताकि फ्रांस चारों तरफ से घिर सके। इसी तरह ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली की कंट्रोल दे दी गई। इन द ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं रशिया को जो है पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। इसी तरह पर्शिया को सक्सोनी का हिस्सा दे दिया गया। हालांकि इतने चेंजेस के बावजूद एक चीज जो नहीं किया गया था, जो बाद में एकीकरण करने में, जो बाद में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम योगदान निभाया, वो ये था कि नेपोलियन ने जो जर्मनी में 39 स्टेट्स का जो एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उस कॉन्फेडरेशन को टच नहीं किया। राहुल जी, ये जो इतने सारे पॉलिटिकल बदलाव हुए ट्रीटी ऑफ वियना से, ये क्वेश्चन भी बन जाता है हिस्ट्री में कि ट्रीटी ऑफ वियना हैज चेंज्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। राइट, डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हैं? Okay. अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाउंड्रीज चेंज की गई है यूरोप के सभी देशों की। निश्चित रूप से ये चेंजेस दर्शाते हैं कि एक समय लग रहा था कि यूरोप की पूरी जो पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, चेंज कर दी। ठीक है, सो कंजर्वेटिव जो रिजाइम्स थे वो फिर से ऑटोक्रेटिक जो थे स्टैब्लिश हुए, और इनका जो मुख्य मकसद क्या था कि मोनार्कीज को दोबारा से रिस्टोर किया जाए और दोबारा से उनको पावरफुल बनाया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी क्या थी इनकी, कि ये क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, अपने विरोध में किसी को खड़ा नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो पर्सनल जो लिबर्टी है उसको कर्व करना शुरू कर दिया। लास्ट टॉपिक है आज के लिए, बच्चों बता दूंगा आपको, बहुत जरूरी है जी। जैसे जैसे कंजर्वेटिव फिर से पावरफुल होते चले गए, उन्होंने जितने भी डेमोक्रेटिक स्प्रिट है, जो लिबरल पीपल हैं, उनको क्या किया, रिप्लेस करना शुरू कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट जितने भी लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड पे चले गए। और अंडरग्राउंड रहते रहते उन्होंने बहुत सारे सेक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू की। पूरे यूरोप में ऐसे सेक्रेट सोसाइटीज देखने को मिलती है जो रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करते थे, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज को एक्सपेंड करने का काम करते। ऐसी ही एक सोसाइटी थी कार्बोनरी, जिसके एक प्रमुख और सबसे एक्टिव मेंबर थे जोसेफ मेज़नी। जोसेफ मेज़नी लगातार लोगों को अवेयर कर रहे थे राष्ट्रवाद के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, और उनके इसी ऐसे एक एक्शन के कारण लिगुरिया में उनका इस एक्शन के कारण उनको 1831 में 24 वर्ष की उम्र में ही देश निकाला दे दिया गया। लेकिन देश से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने दो और प्रमुख सेक्रेट सोसाइटीज बनाई, एक यंग इन मर्टाइल एंड सेकेंड यंग यूरोप इन बर्न। और इन सोसाइटीज के थ्रू पूरे यूरोप के नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। मेज़नी का मानना था कि गॉड जो है वो उसका इरादा होता है गॉड का, कि एक राष्ट्र का निर्माण जो है प्राकृतिक तरीके से पूरे मेन काइंड को एक यूनिट के साथ जोड़ के ही किया जाए। वो चाहते थे कि पूरी इटली एक यूनिफाइड सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में विकसित हो। उनका जो सेक्रेट सोसाइटीज का मॉडल इतना तेजी से पॉपुलर हुआ, जिसने पूरे अपोजिशन को यानी मोनार्कियल सिस्टम को रिलेंटलेस कर दिया, परेशान कर दिया। उनका डेमोक्रेसी का जो विजन है तेजी से बढ़ता चला गया, जिसने कंजर्वेटिव्स को भयभीत कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो इसमें मेटरनिक थे, ही डिक्लेयर्ड वन टाइम that the most dangerous enemy of our social order, किसको? मेज़नी को। उन्होंने कहा कि he is the most dangerous enemy of our social order. और कुछ समय के बाद मेज़नी की हत्या कर दी गई कंजर्वेटिव्स के कारण।
तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही काफी है। देखिए मैदनी की हत्या हो जाती है लेकिन इसके बावजूद एक बार जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट आगे बढ़ जाता है उसको आप आसानी से नहीं रोक सकते। सो आप देखेंगे किस तरीके से 1830 के बाद एक नए डेमोक्रेटिक स्पिरिट का संचार होता है। 1830 से 1848 के बीच में कई सारे रिवोल्यूशन होते हैं जो आगे चल के नेशन बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार सुशील जी। आपने ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पाठ पढ़ाया और मुझे लगता है वाकई में ये पाठ बहुत बड़ा है। जैसा आपने कहा कि पूरे मानचित्र में ही बदलाव हो गया किसी क्रांति के द्वारा, तो ये प्रश्न बनता है। इस प्रकार के तमाम प्रश्नों के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे और अगले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर द मैसेज ऑफ G20। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leader Summit for the very first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. So with this positive note, hum apna ye social science ka session yahan samapt karte hain। अगले सेशन के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।